ये उल्टी कर देगा ये इसमें आप लोग कुछ समझ पा रहे हो? अनकट में दे देना बिहाइंड द सीन्स नहीं दूंगी मेरा काम देखो भगवान का सारे कपड़ा धो के एक ही साथ एक ही क्लिप में लगाती हूँ नहीं तो भाई गिर जाएगा ना तो बस इसमें लेकिन ये कलर उठ रहा है इसमें कौन सा पड़ेगा मैंने सब भगवान का कपड़ा था वो उसमें सर्फ दिया थोड़ा सा मतलब सोडा और दिया था और एक बार तो लेकिन हाथ नहीं लगाना ग्लव से आपको करना है नहीं तो हाथ एकदम पूरा खुड़बुड़ा हो जाए इसको अभी भिगो के रख दूंगे पूरा ऑटोमेटिकली निकल जाएगा घिसने की भी जरूरत नहीं क्योंकि तेल वगैरह रहता है ना तेल सिंदूर दोपहर में मस्त काम किया जा रहा है अरे दोपहर में ये सब काम करके रखो ना तो शाम के लिए ये लाई थी गोवा हाँ इसको देख के गोवा का याद आ रहा है नाम क्या है स्वीटी पता नहीं मापसा मार्केट या पुराना वो मार्केट मापसा मार्केट जा रहे हो तो मिल जाएगा बाबा आपको सूटी दिखाई दे रहा है मैंने बोला नीचे रख नीचे नहीं रखेगी नहीं सबको पकड़ के सूटी और एक है इसको कहाँ चढ़ाओ तुमको नीचे ए नीचे रखने के लिए मुझे चिल्ला रही है बोले नहीं नीचे नहीं रखोगे लो सीढ़ी मस्त ढक गई अभी पकड़ के रखो Back in the blink of an eye It's like you're mine You're still mine Skip the small talk Cause you know me Better than I Know myself on my speed A while now Since I saw you But it feels like yesterday Ready, ready, ready On your mark, get set, go! Chalo, chalo. कितना सिंपल होता था कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता था पूर्णिमा आ रहा है ना तो अभी भी टाइम है हमारे बहुत सारे चंदा मामा है कितना चंदा मामा है कैमरे में तो फिर भी व्हाइट दिख रहा है कैमरे में व्हाइट दिख रहा है वहाँ पे एक्चुअली येलो है चंदा मामा बहुत सारे फ्यूज भी हो गए सिंगापुरी केला नहीं छोटा केला नहीं बना सिंगापुरी का चला धनिया पत्ता दे दीजिए लेमन ग्रास है क्या चाय पत्ती दो डॉक्टर दो ये दो क्या ये स्प्राउट्स इसमें देखो कितना अच्छी तरह से ऑर्गेनाइज सिटी का फेवरेट ऑरेंज मस्त ऑर्गेनाइज ऊपर में केला अच्छा लग रहा है एकदम और यहाँ पे ये सारे पुदीना ले लेती हूँ अभी कुछ चुप करके जो चुप होने वाला चीज है हाँ। मुझे मुंह बंद कराने के लिए माइंड फ्रेश करने के लिए जो चीज़ वो डाल दो बस पसंद है वो खाओ यहाँ पे पानी पूरी फुचका कुछ भी खाओ ये अनियन अलग से लेना पड़ता है क्योंकि वो मिक्स नहीं करते पोटैटो के साथ क्योंकि कोई कोई प्याज बिना भी खाता है ना लेकिन टेस्ट नहीं एक बार में डालो काट करके खाते हैं कैसे खाया पानी पूरी हुआ हुआ लेकिन टीका से तो ये कर रहा था झाल ढूंढ रहा है भैया देखो ड्रेस लेगा 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 ड्रेस हाँ देखो ड्रेस देखिए वाइट मस्त लग रहा है ये कलर ज़्यादा अच्छा लग रहा है बेटी के लिए एक सिल्वर का चेन लेना था स्कूल से बोला था थोड़ा लंबा वाला चेन के लिए क्योंकि गले में पहनता है ना तो वही लेने के लिए आई हूँ दुकान में भूल गई किधर से गई थी मतलब धनतेरस के टाइम पे कॉइन लिया था वही दुकान को चार बार गोल गोल करके घूम के उसके बाद मिला और यहाँ पे मैं कॉटन का जो होता है ना घर पे पहनने वाला वही देख गए लेकिन कॉटन है या नहीं वही समझ में नहीं आया स्मूथ लग रहा है क्या
थोड़ा मिक्स रहेगा, गर्मी लग रहा है ना, गर्मी के लिए चाहिए। ऑरेंज बिस्किट चाहिए, ऑरेंज बिस्किट, ऑरेंज क्रीम बिस्किट सब भेजा। माली बिस्किट ऑरेंज माली बिस्किट एक बार लेके गया था, पका हुआ क्या चाहिए बर्तन मंजिंग पॉकेट से, तब से ये खजाना निकाल रहा है। क्या खजाना है? कुछ चोरी करके खा रहा था, बड़ा मजा। चॉकलेट चॉकलेट चोरी करके रखा था क्या? मेरे पॉकेट में कोई पेपर रहेगी बवारी, पूरा चिट गया, चिपक गया, चिपक गया। तुमको खोल के साफ करना पड़ेगा। कैसे साफ करो? खोल के झाड़ना पड़ेगा ब्रश से। खोलो भाई, टाइम पास करछी, टाइम पास करछी। इसका मुंह देख, कोने खुलले, ए कोने खुलले, मैं तो कौन दर टिंग टोंग टिंग टोंग टिंग टोंग करछी, की करछो की? ए ए धने पत्ता देख तो बाबा लाया ना नीचे, धनिया पत्ता लाया सिटी के लिए, छांटो ने ले लो सिटी ने बोल के भेजा था मेरे लिए, कुछ लिख के आना देख तो केमन हटा खेते रोज फालूदा केक। ए मुंह घुसाए जा रहे, एक ही तो छुट्टू सा लाया, रोज फालूदा कैसे खाना है साइड से देख लो मैं कैसे। क्या चल रहा है इधर? स्मेल तो अच्छा, मुझे लग रहा है मैं दो साल बाद ऑरेंज क्रीम वाला बिस्किट खा रही हूं। अब जाकर टेस्ट करो, टेस्ट पूरा नहीं करेंगे हम, सिर्फ टेस्ट करेंगे टेस्ट। अब बाबा तुम्हारा टेस्ट करा सात तरह का टेस्ट करा, एक बाइट में पूरा चला जाता है, टेस्ट करना नीचे तुम्हारे क्या सैंपल लेके। मैं सच में ऑरेंज बिस्किट और वाला ऑरेंज चाहिए था, वो वाला नहीं मिला। ऐसे खाते थे पतंजलि वाला चाहिए था, खट्टा नहीं होता, स्मेल आता है। आप लोग भी सोचोगे मैं तो ऑरेंज ही तो बिस्किट है, ये दो साल बाद अगर खाओगे दो ढाई साल बाद ऐसे किलो ऑरेंज बिस्किट कभी खुश हो जाए। यही तो जिंदगी है भाई, जिंदगी क्या बड़े बड़े समस्या समाधान करने के लिए होता है, ऑरेंज बिस्किट का समस्या। ऑरेंज बिस्किट खाओ और अपना समस्या दूर करो। यहाँ पे अनियन पोटल मतलब जो परवल होता है पॉइंटेड गाउट, वो ये तो ग्रीन चिली और परवल समझ में आएगा भी नहीं किसी का मुंह में अगर लगेगा। आलू पोटैटो सब फ्राई कर रही हूँ, इसमें थोड़ा सा टोमेटो खट्टा खट्टा होगा ना तो अच्छा लगता है, सॉल्ट और हल्दी दिया है। कमॉन मैत्री कमॉन, क्या कमॉन? कमॉन खाना बना के दो, खाना बना के दो, दे दो ना भाई। ये रेसिपी तुम्हारे हाथ में टेस्ट नहीं, मैं दूसरा रेसिपी बनाऊंगा। तुम्हारे हाथ का जो रेसिपी वो ठीक है, वो बनाएंगे बंगाली ऑथेंटिक रेसिपीज में ना शांतनु के हाथ में पता नहीं ये मेरा नहीं मेरा ये सोचता है, मेरा थोड़ा ये थोड़ा फ्यूजन एक्सप्रेस शेफ स्टाइल, शेफ स्टाइल में वो सब मेरा जमता है। शेफ का मम्मी के हाथ का जो टेस्ट आएगा वो ऑथेंटिक रेसिपी में संजीव कपूर के मुंह से सुना था। उनको वो कार्य मेरा मम्मी का हाथ का वो दाल मखनी, दाल मखनी नहीं वो रहा था क्या ये क्या नाम है राजमा चावल, वो मम्मी का हाथ का जो टेस्ट आएगा वो मेरे हाथ में होता ही नहीं वैसे वाला टेस्ट। कुछ रेसिपी में तो भाई जितना भी बोला शेफ बोला जो बोला जो घर के लड़कियों लोग कर सकते हैं, मम्मी भाभी दीदी जो भी कर सकते हैं। नहीं नहीं महाराष्ट्र में भी मैंने भाकरी बहुत जगह खाया, लेकिन जो भाकरी सब हाँ जो लेडीज लोग जो भाकरी बनाती है उसका टेस्ट ही अलग होता है। रोटी का चावल, चावल की रोटी या चावल की रोटी या ज्वार की रोटी वो आपको खाते पता चल जाएगा ये लड़का ने बनाया है लड़की। हाँ इवन तुम्हारा वो जो चिकन रस्सा बनाता है ना वो भी सेम। मस्टर्ड के पेस्ट दिया, मस्टर्ड थोड़ा खसखस मतलब पोस्तू दिया था और ये ड्राई ड्राई हो गया, लेकिन मैं ना इसमें एक चीज ढूंढ रही हूँ लेकिन मिल नहीं रहा है, किधर गया किधर अभी इसमें मिल गया मिल गया एक मिला है। ये जो मिर्ची है इसको थोड़ा मस्त तोड़ना था ना, थोड़ा तीखा होता ना मस्त लगता है, ऐसे तीखा मैं खा नहीं पाती फिर भी मतलब वो टेस्ट सोच लो नहीं पापा तो क्या करूँ। अरे ये ऑप्शनल कच्चा मस्टर्ड है, झाल दिया चौचौड़ी टाइप का, बहुत कुछ चीज़ें हो गया बंद ही कर दिया। मस्टर्ड ऑयल को जलाया, उसमें मस्त मिर्ची, अगर तीखा हुआ तो मेरा ही हालत खराब होगा, उसमें हो गया तो तीखा, और अगर तीखा नहीं हुआ फिर भी बोला तीखा ही नहीं हुआ, तीखा हुआ तो क्या तीखा हो गया फिर क्या मतलब है, तीखा होने से भी प्रॉब्लम है। इसके साथ बेगुन पोड़ा बना है? नहीं तटका बेगुन पोड़ा, बेगुन पोड़ा अच्छा नहीं था मतलब बैंगन का भरता बोलते हैं पांता भरता, पांता भरते टटका बेगुन पोड़ा, लेकिन मैंने कभी जिंदगी में नहीं खाया मुझे भी पसंद नहीं है।
मैंने कभी खाया ही नहीं तांता पांता होता रात का भी वो खाते पांता भात के साथ मूढ़ी अच्छा लगता है। इन लोग दही चावल खा रहे हैं बंगाली तड़का के साथ। अरे नहीं दही चावल नहीं पांता भात और मैं खाऊंगा टटका भात। टटका भात एकदम टटका भात। हाँ टटका आदमी है टटका भात खाता है। तुम बासी आदमी दोनों बासी आदमी है। तुम लोग बासी भात खाते हैं। तुम बासी हो। हम टटका है टटका देवा मेरा टटका भात टटका तरकारी एकदम टटका ए टटका एकदम ताजा वाला। तुम दोनों बासी है बासी। हम तीनों में से बासी कौन है? तुम दोनों पहले धरती पे कौन पड़े हैं? दोनों भाई नेचर बासी हो भाई नेचर। ए देखो ये क्या बनाया आलू भाजा प्याज देके आलू भाजा मतलब आलू को भाजा पहले बना लिया उसके बाद अनियन देके थोड़ा सा फ्राई किया है और ये वही चौचौ निभी ना तो हम दी दे भाई ये मस्त है इसके। हाँ छातु सान मतलब माछ भाजा ये माछ भाजा पसंद माछ भाजा भी खाता है ना मुझे है लेकिन मुझे नहीं पसंद। और इसके साथ एक्चुअली आलू सिद्धो भी खाता है आलू का चोखा खाता है और उसका क्या हुआ था छातु सान के छातु मतलब सत्तू रोस्टेड बंगाल ग्राम फ्लावर सत्तू बंगाल ग्राम ना वो छिलका होता है बंगाल ग्राम विथ स्किन। सत्तू का कोई इंग्लिश वर्ड नहीं है ना नहीं रोस्टेड बंगाल ग्राम फ्लावर तो वो तो डोसा के चटनी के साथ जो देते हैं वो वाला हो जाएगा। रोस्टेड छोला ग्राइंड चलो चलो पास कैंसिल देखो हमारे फिर से बेइज्जती करेगा। वाओ वाओ शांतनु वाओ देखो ये है मेरा ये है मेरा मस्त थाली। ये हम लोग देसी चाय है नहीं ये कैंटीन वाला आदमी है सूटी का फिल्म इसमें दाल ले लेते हैं ना हमारा कैंटीन का खाना होता है। यहाँ पर एक थोड़ा सा कुछ झोल हो जाता था तो दाल था। एक पीस माछ नहीं तो थोड़ा सा चिकन का थोड़ा सा झोल पतला झोल। माछ क्यों बोल रहे पता ये लोग हॉस्टल का डेली इंजीनियरिंग हॉस्टल में रोज एवरी डे फिश होता है। जलपाईगुड़ी इंजीनियरिंग पांच दिन हफ्ते में 5 दिन लंच में फिश लेकिन एक ही पीस मिलता था फिश एक ही पीस मिलेगा एक ही पीस फिश और डिनर में एग करी लेकिन एक ही अंडा मिलेगा बस। भाई कितना अंडा देगा बच्चा है। बाकी 2 दिन हम लोग का टाइम था वेडनेसडे और संडे। उस दिन रात में डिनर में बनता था चिकन 4 पीस मिलता था चिकन। डिनर में चिकन बनेगा इसलिए लंच थोड़ा लाइट खाना है। लाइट खाने में क्या बनता था मुड़ी घंटा मतलब फिश हेड बिरयानी होता है। तो सोचो लाइट खाना और महीने में 1 दिन ग्रैंड फीस्ट बनता था GF बोलते थे ग्रैंड फीस्ट अभी भी होता है। उसमें बनता था पुलाव बनता था चना का दाल एकदम जैसे वो भोजगोश टाइप में पूरे एकदम ड्राई फ्रूट्स वगैरह डाल के चना का दाल उसके बाद चिकन के एकदम ड्राई मसाला वाला चिकन बनता था चिकन मुँह में पानी लेकिन या फिर हाफ चिकन रोस्ट के एकदम रोस्ट वो अलग स्टाइल का रोस्ट वो एकदम स्पेशल वो बंगाली स्टाइल का रोस्ट पूरा वो अनियन वनियन डाल के पूरे एकदम ड्राई रोस्ट बनता था। टमाटर का स्पेशल चटनी खजूर ड्राई फ्रूट डेट्स वेट्स दे के एकदम मस्त चटनी और 2 मिठाई एक रसगुल्ला बनता नहीं था वो मतलब लेके आता ये तो फीस्ट होता था। हाँ एक रसगुल्ला और एक कुछ वो ड्राई संदेश टाइप का था और फिर पापड़ ये तो भोज का। हाँ इसीलिए तो नाम देता था ग्रैंड फीस्ट महीने में एक बार और उसके लिए मारामारी जो विंग वाइज होता है फ्रंट विंग बैक विंग मिडिल विंग 3 विंग था। अच्छा जो हॉस्टल का विंग 3 विंग्स 3 फ्लोर था तो वो लॉटरी लगता था कौन विंग पहले जाएगा मतलब पहले घुसेगा मतलब उस हिसाब से फर्स्ट बैच सेकंड बैच थर्ड बैच 9 बजे से स्टार्ट हो जाता था डाइनिंग रूम में 9 बजे स्टार्ट होता था तो हम लोग 9:45 बजे जाकर लाइन लेके खड़ा हो जाते थे फिर भी नंबर लगा है फिर भी लाइन लगे मतलब कितना हैंगलाप थे हम लोग खाने के लिए हैंगलाप। और हम लोग का खाने का सब मत पूछो इसलिए राइस या पुलाव और जो ये रहता था दाल या जो भी रहता था वो बीच में इतना बड़ा डाइनिंग टेबल का बीच में वो तुम जितना बीच है तुम वो थोड़ी बेचारा साफ करते करते हैरान हो जाए तो वही अभी खाते खाते वो दिन याद आ जैसे क्या दिन थे। मुझे मेरा विश है जलपाईगुड़ी इंजीनियरिंग कॉलेज एक बार जाओ और वहाँ का कैंटीन का खाना खाओ
हॉस्टल कैंटीन का कैसा बनता है। अभी तो बहुत अभी तो लग रहा है मुझे और भी एडवांस हो गया होगा। कोई है तो मतलब रिसेंटली पास आउट हुए तो बताना जरूर, किसी का फैमिली में कोई है या। मैं 99 में पास आउट था। ये उल्टी कर देगा ये इसमें। आप लोग कुछ समझ पा रहे हो? कैसा लगता है? अच्छा तो लग रहा है। आप तो जंप कर सकते हैं। आप जंप कर सकते हैं। वेट वेट दाओ बाबा मैं पैर अपने पास रखो। देखो ऐसे होता हमारे ऐसा मतलब हंसाएगा ना दर्द हो रहा है। ये नहीं खोल पाएगा कल सब दे देगा ना वीडियो में। मुझे पता है कुछ ना कुछ करके रखा है। मुझे पता है कुछ नहीं किया है। जो जो, जो तुम्हारे सामने जो किया वही किया है। मैं बाथरूम घुस रही थी तब ये लोग कुछ कर रहे थे। मैं अंदर तो खोल के देखा कुछ नहीं था। अरे ठीक है चलो नहीं दे पाएगा तो फिर अनकट में दे देना। कुछ नहीं दूंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो अगर अच्छा लगा लाइक जरूर कर देना। हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। अभी मिलेंगे कल के और एक इंटरेस्टिंग ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।